तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं शायद पिछली सदी के सबसे बड़े सिद्धांत के बारे में, जो कि है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको 1915 में पब्लिश करा गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। और इसी थ्योरी को हम मॉडर्न फिजिक्स में यूज़ करते हैं ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको इस थ्योरी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा और हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये थ्योरी इतनी रेवोल्यूशनरी है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन से ऐसे तीन डिफरेंट आइडियाज़ और थ्योरीज हैं जो हमें हमारे यूनिवर्स की डिफरेंट कंडीशंस को समझने के लिए मदद करते हैं। जो पहली थ्योरी है वो है स्पेशल रिलेटिविटी, जो हमें उस सिचुएशन को समझने में हेल्प करती है जब हम लाइट की स्पीड या उससे आसपास की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। इस थ्योरी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में पब्लिश करा था। जो दूसरी थ्योरी है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, जो हमें एटॉमिक लेवल पर एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए मदद करती है। और जो तीसरी थ्योरी है जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है जनरल रिलेटिविटी, जो कि हम मास के एक्सट्रीम स्केल में एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। इस थ्योरी को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था 1915 में। अब हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करा था आइज़क न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जो कि उन्होंने लेट 1600 में दुनिया के सामने रखा था। इस लॉ में उन्होंने हमें ये बताया था कि अगर कोई भी दो पार्टिकल्स हैं जिनके पास उनका खुद का मास है तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया, जो कि था फोर्स इज़क्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो जी था वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 उन दो पार्टिकल के मास हैं, और जो r है वो उन दोनों के बीच की दूरी है। ये जो लॉ था वो इतना पावरफुल और रेवोल्यूशनरी साबित हुआ कि इसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल ही बदल के रख दिया और यूनिवर्स को देखने के हमारे नज़रिए को नई दिशा दी। इसके ज़रिए अब हम धरती पर बैठे बैठे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित प्लैनेट्स की लोकेशन करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन लगभग दो दशक बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसमें एक रियल इशू देखा, जो कि था कि इस फॉर्मूले में टाइम का कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मास में कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट इंस्टेंटली उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पर पड़ेगा, और ऐसे ही अगर हम दोनों के बीच के डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो फोर्स पर इंस्टेंट इफ़ेक्ट दिखेगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन के ट्रैवल करने की स्पीड मैक्सिमम लाइट की स्पीड हो सकती है, और इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकती। इसके कारण आइंस्टाइन को लगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की स्पीड फाइनाइट होनी चाहिए और कुछ तो होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कि ग्रेविटी को कैरी करेगा। और न्यूटन ने हमें ग्रेविटी के मैकेनिज्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी थी, और ग्रेविटी किस मीडियम से ट्रेवल करती है इसके बारे में भी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था। जब आइंस्टाइन ने इसके बारे में सोचा तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि स्पेस में दो पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ एम्प्टी स्पेस ही होता है, तो एम्प्टी स्पेस ही होना चाहिए जो ग्रेविटी को कैरी करेगा। लेकिन अभी भी वो ये समझ नहीं पाए थे कि किस तरीके से ग्रेविटी काम करती है और इसमें स्पेस का क्या रोल है। अब आते हैं 1907 में, जब आइंस्टाइन एक बिल्डिंग में बैठे थे और बाहर एक वॉश वर्कर विंडो साफ कर रहा था, और जब ही आइंस्टाइन ने सोचा अगर वो गिर जाता है तो क्या होगा।
अब कोई नॉर्मल इंसान है तो वो सोचेगा कि वो ज़मीन से टकराएगा और वो सीन बहुत दर्दनाक होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने सोचा, जब वो हवा में होगा तब क्या होगा उसके साथ। अब जब हम वॉश वर्कर के नज़रिए से देखेंगे तो जब वो गिर रहा होगा तो उसे अपना वेट फील नहीं होगा और गिरते समय उसको सेम वैसे ही फीलिंग आएगी जैसे एम्प्टी स्पेस में होती है, जहाँ ग्रेविटी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता, यानी ग्रेविटी ज़ीरो रहती है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट को आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ का हैप्पीएस्ट थॉट बताया, क्योंकि इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि हम एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेशन से ग्रेविटी को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ तक कि ग्रेविटी को मिमिक भी कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है हमें अर्थ की ग्रेविटी कैसे फील होती है? तो जब अर्थ का सरफेस हमारी फीट के अगेंस्ट पुश करता है 9.8 मीटर पर सेकंड से, जब हमें ग्रेविटी फील होती है। तो अब मानिए आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो आपको लगेगा कि आप अर्थ की ग्रेविटी में ही हैं, और अगर आप अपनी आंखें बंद कर देते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो अब मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दो अलग तरीके हैं एक ही चीज़ को समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटी और स्पेस टाइम के कर्वेचर में क्या कनेक्शन है, और हम फिर से अपने स्पेसक्राफ्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ आइंस्टाइन ने सोचा, क्या हम ग्रेविटी और एक्सेलरेशन के बीच में कोई डिफरेंस बता सकते हैं? इसलिए उन्होंने एक और थॉट एक्सपेरिमेंट करा, जो था कि अगर वो स्पेसक्राफ्ट में खड़ा इंसान फ्लैशलाइट को पॉइंट करता है स्पेसक्राफ्ट के एक साइड से दूसरे साइड पर, तो क्या होगा। जैसा कि हमने पढ़ा है, लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और शॉर्टेस्ट पाथ लेती है टू पॉइंट्स के बीच में, तो इस सिनेरियो में भी यही होना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के कारण ये पॉसिबल नहीं है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है जिसकी वजह से लाइट बेंड होगी। अब आइंस्टाइन ने सोचा, शायद लाइट शॉर्टेस्ट पाथ ही ट्रेवल कर रही है, बस वो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व्ड है, और क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी कनेक्टेड हैं और एक्सेलरेटेड फ्रेम में लाइट बेंड होती है तो ग्रेविटी में भी लाइट बेंड होनी चाहिए, और जब हम ये एक्सपेरिमेंट अर्थ पर करेंगे तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा। इसको समझने के लिए हम अर्थ का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अर्थ के सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट की दूरी का शॉर्टेस्ट पाथ कर्व्ड होता है, स्ट्रेट नहीं होता, वैसे ही स्पेस टाइम में ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में शॉर्टेस्ट पाथ कर्व्ड होता है। अब मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन कनेक्टेड हैं, और एक्सेलरेशन और कर्वेचर भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इन दोनों की मदद से हम ग्रेविटी को कर्वेचर से रिलेट कर सकते हैं, जो कि बेसिस है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब जब आइंस्टाइन ने 1915 में ये थ्योरी पब्लिश करी तो इस थ्योरी को लेके मेजॉरिटी साइंटिस्ट स्केप्टिक थे, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो थ्योरी थी वो न्यूटोनियन फिज़िक्स से कितनी ज़्यादा डिफरेंट थी। न्यूटोनियन फिज़िक्स में स्पेस और टाइम को फिक्स रखा गया था और ग्रेविटी एक मिस्टीरियस फोर्स था, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी में स्पेस एंड टाइम रिलेटेड थे और ग्रेविटी को इंटरेक्शन बताया गया था मास और एनर्जी का स्पेस टाइम से, तो इसी के कारण इस थ्योरी को फुल प्रूफ नहीं बताया गया। लेकिन 1919 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट आर्थर एडिंगटन ने सोलार एक्लिप्स के दौरान सन के पास स्टार्स की इमेज लेने की कोशिश करी, और इसमें उन्होंने ये देखा कि जो स्टार्स की प्रेडिक्टेड लोकेशन है वो डिफरेंट है सन के पास की लोकेशन से, जो कि बिल्कुल मैच कर रही थी जैसा कि आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट करा था।
और इस फिनोमिनन को आज हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के नाम से जानते हैं, जो कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का प्रूफ साबित हुआ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्पेस के डिस्टॉर्ट होने की जगह हम स्पेस टाइम के डिस्टॉर्ट होने की बात क्यों कर रहे हैं, ये टाइम का वेरिएबल क्यों आया। तो इसके लिए हमें स्पेशल रिलेटिविटी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइंस्टाइन ने हमें स्पेशल रिलेटिविटी में ये बताया था कि लाइट की स्पीड एम्प्टी स्पेस में हर रेफरेंस में कांस्टेंट रहती है, चाहे वो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो या ना हो। अब स्पीड के फॉर्मूले के हिसाब से, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में लाइट कर्व पाथ में ट्रेवल करती है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में। तो जब हम इसे एम्प्टी स्पेस के रेफरेंस में देखेंगे तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फील्ड में ज़्यादा होगा एम्प्टी स्पेस के मुकाबले। और जब स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब टाइम स्लो गुजरना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड में एम्प्टी स्पेस के मुकाबले। और यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा स्पेस कर्व्ड होगा उतना ज़्यादा टाइम स्लो गुजरेगा। तो इस वजह से हम स्पेस टाइम को एक दूसरे से रिलेटेड मानते हैं। अब दोस्तों, भले ही ये थ्योरी ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया हमारे यूनिवर्स को लेके, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो ये थ्योरी हमें बताने में सक्षम नहीं है। जैसा कि ये थ्योरी हमें बताती है कि ग्रेविटी का मैकेनिज्म क्या है, लेकिन हमें ये नहीं बता पाती कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को वॉर्प क्यों करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं। तो मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द मिलता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।